बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरी आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं। इस वक्त साइट पर आप एक वीडियो देख सकते हैं जिनमें मौलाना तारक जमील मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। एक लड़का उनके साथ सलाम लेने की कोशिश करता है तो वो अपने हाथ के साथ सलाम का जवाब देते हैं और लड़के को साइड पर करने कहते हैं, जिसके बाद वो नमाज की तरह मुतवज्जो हो जाते हैं। इस वीडियो के ऊपर लिखा था कि तकब्बर करने वाला, यानी मौलाना तारक जमील गुरूर में, और उसने तकब्बर के साथ लड़के को पीछे कर दिया। ये भी तो देखने वाले को देखना चाहिए कि शायद नमाज के लिए टाइम गुजर रहा हो, मौलाना तारक जमील नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और टाइम निकल रहा हो, तो जल्दी में उन्होंने कहा कि इसे साइड पर करें, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। लेकिन सोचने वाले ने ये नहीं सोचा, सोचने वाले ने ये ज़रूर सोचा कि मौलाना तारक जमील तकब्बर करते हैं। प्लीज़ आप बताएँ, क्या उसने ठीक कहा या फिर गलत? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय के आज़ार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।